मैं आपको एक ग्रेनोला की रेसिपी बता रही थी ना, ग्रेनोला, ग्रेनोला क्या महंगा होता है? महंगा होता है, बाजार में महंगा होता है, लेकिन अब जो मैं आपको बता रही हूँ ना, आसानी से ये आप सुबह नाश्ते में भी खा सकती हैं, शाम में भूख लगे जब भी खा सकती हैं। तो बस साथ मैंने डाले ये अलसी के बीज, फ्लैक्सीड, ये औरतों के लिए इतने ताकतवर हैं, आपके हार्मोन्स का भी जो प्रॉब्लम है वो भी ठीक हो जाएगा, ताकत भी मिलेगी और एंटी एजिंग है। सफेद तिल, आपको पता है कि सफेद तिल को मैं तो अपने न्यूट्रिशन में इसको सोना कहती हूँ, काले तिल भी उसके लिए बहुत अच्छे, इतने अच्छे हैं ये काले तिल, खाने का एक चम्मच पाउडर डाल रही हूँ, कितना ये ताकतवर। हाँ, एक चम्मच अखरोट डाले, हाँ इसी रेशो के साथ बना के रख दे, रोज रख दे आप, ये पिस्ते डाले एक दो चम्मच, बूंद कतीरा है इसको ना तवे पे सिर्फ सेक लिया इसको, ये इतना फायदेमंद है, ये आपकी स्किन को जो पिगमेंटेशन है ना ये भी खत्म कर देगा, फाइन लाइंस भरेगा। और अच्छा इसमें गया बादाम, 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 एक चीज और भी डल सकती है, किशमिश, ड्राई इंग्रेडिएंट हो गया। अच्छा इसको मिक्स करेंगे मैं खजूर के पेस्ट के साथ, या आप इसको बना के बॉक्स में। मैंने इन तमाम चीजों को मिक्स किया, हल्का सा फ्राई किया था, उसी तरह फिर इनको मैंने दरदरा सा पीस लिया, बस हल्का सा इनमें ना, क्योंकि ऑयल होता है, जो भी ये सारे बीज होते हैं, जो भी ये नट्स वगैरह दूसरे होते हैं, तो मैक्सिमम ये आपने 15 दिनों के लिए बना के रखना है, फिर फ्रेश बना लेना है। तो मैंने सारी चीज़ों को जैसे वीडियो में आपने पहले देखा है, मैंने हल्का सा आपने फ्राई करना है, बस हल्का सा चटकते हैं, क्योंकि इनमें ऑयल होता है, जितने भी नट्स होते हैं इनमें ऑयल होता है। तो आपने सारे इसमें देखें, जूम कर कद्दू के बीज में अलसी भी है, सारी चीज़ें हैं, इसको मैंने मोम 10 में ही हल्का सा क्रश कर लिया था। ब्लेंडर में करना चाहिए, आपकी मर्जी है, इसको ग्राइंड कर लें आप, लेकिन बहुत ज़्यादा ग्राइंड नहीं करना, फिर ऑयल वैसे निकलता है इसका, तो इतना भी दरदरा भी आप पीस सकते हैं। और इसमें चने भी खुश्क जो होते हैं वो डाल दें, चने से ये मौसम है जैसे जुकाम का, उस चने उसको भी फ़ायदा देंगे और वैसे ताकत भी बहुत ज़्यादा, तो काले चने ले लें भुने हुए, उसको भी साथ ग्राइंड कर लें। तो ये 15 दिन मैक्सिमम आप बनाएं और उसके बाद आप इसको स्टोर कर दें और ये ख़राब नहीं होगा, एयर टाइट, बस पानी से आपने इसका एहतियात करना, ज़रा भी इसमें नमी ना हो, इसको हिलाते रहना हल्का हल्का, अगर आपकी नमी होगी तो ये ख़राब हो जाएगा, 15 से 20 दिन जो चलता है ईजीली। और मैं ऐसे खुले ही छुआरे ले लेती हूँ, अलहदा अंदर नहीं करती, क्योंकि ग्राइंड होंगे भी नहीं और मुश्किल होगी, तो मैं ऐसे बस छुआरे ले लेती हूँ सिंपली, या खजूर हो आपके पास जो भी, तो फ्रेश ही मैं, जैसे इसमें अब मैंने मेरे पास 2 कप दूध है, दूध के अंदर मैंने 2 ऐसे ही छुआरे डाल दिए ऐसे, तो जितने आपके बच्चे हैं आप उस हिसाब से डालें, 3 डालें, 4 डालें, 5 डालें, तो छोटे बच्चे हों आप तो आपने इस चीज़ का भी एहतियात करना है कि आप ज़्यादा ना दें बच्चों को, 15 साल से कम अगर एज है तो मैं उसको भी बताती हूँ, पहले इसका देख लें, आपने ऐसे भिगो देना है दूध में, इस 2 कप दूध में मैंने ये 1.5 चम्मच डाला है और 2 छुआरे डाल दिए, इसको मैं तकरीबन जो है 3 से 4 घंटे सो करती हूँ, और फिर बच्चों को ऐसे ही इसको ग्राइंड, मजीद इतना ग्राइंड नहीं करना चीज़ों की फ़ायदियत ख़त्म हो जाती है, तो आपने ऐसे ही, मेरे बच्चे ऐसे पी लेते हैं, मैं खुद भी पी लेती हूँ, अगर नहीं पी सकते फिर आप इसमें कोई केला से कोई चीज़ डाल के तो आप ब्लेंडर में पीस के तो बच्चों को दे दें, आपकी मर्ज़ी आप जैसे भी दें, हम ऐसे आदि हो गए हम पी लेते हैं, तो इस तरह आपने बड़े बच्चों को देना है और ख़ुद भी आपने इस तरह लेना है, तो इससे आपका जो जितने भी मसाइल हैं हार्मोन्स के, एनर्जी बूस्टर भी है, हेयर नेल हर चीज़ के लिए बहुत बेस्ट है। एक तो इसका ये फ़ायदा है, प्रोटीन शेक है ये, सारे इसमें चीज़ें जो आपने देखी हैं वीडियो में भी, प्रोटीन बहुत अच्छी आपकी एक डाइट है, आप अगर डेली रूटीन में आप अच्छी चीज़ें नहीं खा सकते तो ये आपका सारे आपके विटामिन पूरे, ये आपको बच्चों के लिए एक मल्टीविटामिन है, आपके लिए भी अगर कोई मल्टीविटामिन आप नहीं लेना चाहते तो ये आपके अच्छा ही मल्टीविटामिन बन जाएगा, तो आप ऐसे बना के रख लें, खुद भी लें, बच्चों को भी दें, बड़े जो भी हैं, और अगर आपके बच्चे छोटे हैं, बहुत छोटे बच्चे हैं और आप उनको देना चाहते हैं, तो आपने एक तो बहुत ज़्यादा मिकदार कम करनी है। अच्छा बच्चों को आप दूध में भी दे सकते हैं, कोई दलिया वगैरह बनाती हैं उसमें भी आप दे सकते हैं, चावल की हल्की सी पिक बहुत बारीक अच्छे से गले हुए हों उसमें थोड़ा सा डाल दें, जो बहुत छोटे बच्चे हैं जैसे आप 3-2 साल, जब बच्चा सिर लैग पे आ जाता है तब, पहले तो आपने मदर फीड ही करवाना है, ऐसी चीज़ें नहीं देनी, जब बच्चा सिर लैग पे आता है फिर आपने बिल्कुल ऐसे के इतना सा ले के, इतना बच्चे के लिए काफ़ी है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, तो तब आप दे सकते हैं, फिर भी आप मुतमिन हैं तो या किसी से पूछ के कर सकते हैं, अदरवाइज से लैक ना बनाएं और आप ऐसा दूध में ही बच्चों को वही खीर वगैरह में दे दें, तो एक टाइम ही आपने एक चुटकी देनी है, इससे ज़्यादा नहीं देना, ये तो आपने 15 साल से ऊपर ही बच्चों को देना है, छोटे बच्चों को अवॉइड करना है ऐसी चीज़ें। तो उम्मीद है आपको मेरी वीडियो ज़बरदस्त लगी होगी, मिलेंगे नई वीडियो के साथ, मैंने कहा आपसे ये शेयर कर लेती हूँ डिटेलिंग, क्योंकि बनाना तो सब सिखा रहे हैं पर खाने का कोई नहीं बता रहा, तो खाने का भी ये है, टाइमिंग भी है, छोटे बच्चों को तो वही है दिन में एक बार किसी भी टाइम दे लें, जो बड़े बच्चे हैं जैसे 15 साल हैं और आप खुद, या तो सुबह नाश्ते के बाद बच्चों को स्कूल जाने के वक्त आप दे दें एक गिलास, अगर फर्स्ट के उस टाइम नहीं बचे और आपने उस टाइम अंडा या कोई चीज़ बच्चों को हैवी ब्रेकफास्ट देते हैं, फिर स्कूल में बच्चा लंच भी करता है उस टाइम ना दें, तो कोशिश करें जैसे बच्चा स्कूल से आता है लंच उसने किया हुआ होता है, वो घर में आके कुछ नहीं खाता, तो आपने आते ही ये वाला दे देना, तो एक एनर्जी बच्चे की ख़त्म हुई हुई थी, जैसे आप देंगे बच्चे में एनर्जी जो है दोबारा से आ जाएगी, तो एनर्जी बूस्टर है तो ये बच्चों को उस टाइम दें, स्टमक थोड़ा खाली भी हो और भरा हुआ भी ना हो उस टाइम में देना है, रात होने से पहले मैं नहीं देती, आप मर्जी देना दे, लेकिन मेरा है मैं रात होने से पहले ऐसी चीज़ें बच्चों को नहीं देती, नींद भी डिस्टर्ब करेगा
उस टाइम मेटाबॉलिज्म बहुत सुस्त भी होता है और सही से वो अफादियत नहीं आएगी। तो मैं ज़्यादा सुबह नाश्ते के बाद या आप दोपहर में बच्चे जब स्कूल से आएँ या खुद भी आप तब लें, खाना वगैरह हजम हो चुका होता है उसके बाद ये बहुत फ़ायदा देगा। नहीं तो आप सुबह 10 के बीच आप घर में लें तो खुद 10 के दरमियान नाश्ते के बाद, और जब बच्चों को दे रहे हैं तो आप स्कूल जाने से पहले देंगे तो आप दोपहर में, मैं दोपहर में देती हूँ, तो आप जैसे देना चाहिए मर्जी आपकी। तो मिलेंगे नई वीडियो के साथ, अल्लाह हाफिज़।